झाबुआ जिले के थाना काकनवानी के मदरानी चौकी का मामला सामने आया है। मदरानी में रहने वाले बसंत प्रजापत को जान से मारने की धमकी भरा पत्र उसी के ही घर से बंद लिफाफे में मिला, जिसमें बसंत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोपी और ड्रेस पहने फोटो भी मिला है। बसंत ने जब बंद लिफाफे को खोला तो उसमें इस्लामी भाषा में लिखा हुआ था कि 2 महीने के अंदर जान से मार देंगे, जिसकी सूचना जब हिंदूवादी संगठनों के लोगों को दी, सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और चौकी मदरानी में थाना प्रभारी तारा मंडलोई को आवेदन सौंपा और संबंधित अज्ञात धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी की तलाश कर कार्यवाही की मांग की। इससे घटना कभी हमारे गांव में हुई नहीं है, पहली घटना ऐसी हुई है। इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये संघ से जुड़े हुए भैया हैं और भाजपा पिछड़ा वर्ग के मंडल अध्यक्ष हैं और धार्मिक कार्यक्रम में अग्रसर रहते हैं हमेशा। अभी नवरात्रि का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी ये जोर शोर से काम करते हैं। उसको देखते हुए किसी अज्ञातों ने ऐसा कार्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। घर पर कोई रात में को डाल दिया लिफाफे में एक लेटर बना के और उसके अंदर जैसे धमकी भरा लेटर दे गया कि 2 महीने के अंदर तेरा मर्डर कर देंगे, ऐसा कुछ लिखा था। जब मैं जब दरवाज़ा खोला साफ सुथरे करने वास्ते झाड़ू लगाने वास्ते तो मिसेज को मिला था, मिसेज ला के मेरे को दिया, बोला कि लिफाफा बाहर पड़ा था, उसके साथ में एक लेटर भी है, उसके बाद मेरा गणवेश में मेरा फोटो भी है। प्रशासन से यही मांग है कि जो भी हो इस असामाजिक तत्व को अपने को ढूंढना है, कोई भी जो शांति फैलाना चाहता है। तो वैसे तो पूरा गांव हमारा संघ का है, सभी लोग के संघ के कार्यकर्ता है। अगर आज मेरे साथ में हुआ कल किसी के साथ में कुछ है, ये दाहोद आना जाना कुछ भी हो तो कहीं पर रास्ते में हो तो उसके अंदर लिखेला है, कहीं भी दाहोद भी इनका आना जाना रहता है, मेरा इकरा ने सभी का लोगों का आना जाना रहता है। सभी सुबह जल्दी शाम को लेट वगैरह भी होते हैं, रात में रात घूमना करना होता है, हमारे को हमारी सिक्योरिटी चाहिए, शासन से ये मांगे। और क्या ये आज सुबह जैसा ज्ञात हुआ कि बसंत प्रजापत जो कि मदरानी के रहने वाले हैं, इनके घर में एक लिफाफे में ऐसा धमकी भरा पत्र मिला है। अभी थाने चौकी पर आकर इन लोगों ने हमें इस बारे में बताया और इनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है और अन्य जगह भी सर्चिंग करके आगे जैसा भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी हमको तत्काल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो संबंधित पे जितना जल्दी हो पाते हैं। सर नवरात्रि के संबंध में पूर्व में ही हमने सुरक्षा समितियों के माध्यम से बैठकें ले ली और जो पुलिस सुरक्षा बल है वो सभी जगह तैनात रहेगा और पूर्ण व्यवस्था पर ध्यान देगा।